संस्कारों का बोध कराती है, जिनके माध्यम से हम अपने मूल्यों, जीवन आदर्शों का निर्धारण करते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने बच्चों की रुचि संस्कृत में उत्पन्न कर इसे नैतिक शिक्षा का आधार बनाया और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से बच्चों को जीवन मूल्यों को सिखाने का प्रयास किया। आपने कभी सोचा कि जब आप संस्कृत भाषा के प्रति उनको आकर्षित करते हैं, उसके द्वारा उसको एक ज्ञान के भंडार की तरफ ले जाता है जो हमारे देश में पड़ा हुआ है, क्या कभी इन बच्चों को वैदिक मैथमेटिक क्या है जो एक संस्कृत के टीचर के नाते, या कभी आपके टीचर्स के कमरे में, टीचर्स के बीच में वैदिक मैथमेटिक क्या है कभी चर्चा हुई होगी? नहीं महोदय, इसके बारे में मैं आप स्वयं... कभी कोशिश कीजिए, ताकि क्या होगा अगर आप सबको भी काम आ सकता है, ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक के क्लासेस भी चलते हैं। यूके में तो ऑलरेडी कुछ जगह पे सिलेबस में है वैदिक मैथमेटिक। जिन बच्चों को मैथ्स में रुचि नहीं होती है, वो अगर ये थोड़ा सा भी देखेंगे उनको लगा ये तो मैजिक है, एकदम से उसको मन कर जाता है सीखने का। तो वो संस्कृत से हमारे देश के जितने भी विषय हैं उनसे उनमें से कुछ तो भी परिचित करवाना, वैसा कभी आप कोशिश करें तो। मैं ये बहुत अच्छी आपने बताया महोदय, मैं जाकर बताऊंगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र से कोल्हापुर, वही जिला राजर्षि शाहू की। ये गला आपका यहाँ आकर के खराब हुआ कि वैसे ही है? नहीं सर, आवाज ही ऐसी है। अच्छा, आवाज ही ऐसी जी है। तो कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र से, समोलोया स्कूल में कला शिक्षक हूँ। कोल्हापुर वही है राजर्षि शाहू की जन्मभूमि। कला में क्या? कला में मैं चित्र, नृत्य, नाट्य, संगीत, गीत, वादन, शिल्प सभी सीखता हूँ। दिखता है जी। तो मैं प्रायतः ऐसा होता है कि बॉलीवुड या हिंदी फिल्मों के वर्जन सभी तरफ चलते आते हैं। तो मेरे स्कूल में मैं जब से वहाँ पे हूँ 23 साल से, मैंने जो अपनी भारतीय संस्कृति है और लोक नृत्य और जो हमारी शास्त्रीय नृत्य है उसके आधार पर ही रचना की है। मैंने शिवतांडव स्तोत्र किया है और वो भी बड़ी तादाद में मैं करता हूँ, 300-300, 200 लड़कों को लेके, जिसके विश्वविक्रम भी हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर भी मैंने किया है, वो भी विश्वविक्रम में दर्ज हुआ था। और मैं शिवतांडव किया है, मैंने माँ देवी का हनुमान चालीसा किया है, देवी के रूप का दर्शन किया है। तो इस तरीके से मैं अपने नृत्य की वजह से, आप तो करते होंगे, मैं खुद भी करता हूँ और मेरे बच्चे भी करते होंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए आपकी जिंदगी है, उनके लिए क्या करते? वही सब करते हैं सर। वो क्या करते? 300-400 बच्चे एक नृत्याविष्कार में काम करते हैं। और सिर्फ मेरे स्कूल के ही बच्चे नहीं, मेरे आजू बाजू में थोड़ा स्लम एरिया है, कुछ सेक्स वर्कर के बच्चे हैं, कुछ व्हील चेयर वाले बच्चे हैं, उनको भी मैं एज अ गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पे लेता हूं। लेकिन उन बच्चों को तो आज सिनेमा वाले गीत पसंद आते होंगे। जी सर, लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि लोक नृत्य में क्या जान है। और मेरा ये सौभाग्य है कि बच्चे मेरी इस बात सुनते हैं जी। 10 साल से मैं सर कर रहा हूं। टीचर की नहीं सुनेगा तो बच्चा जाएगा कहां? जी सर। कितने साल से आप कर रहे हैं? मैं टोटली मेरे 30 साल हो गए सर। बच्चों को जब पढ़ाते हैं और नृत्य के माध्यम से कला तो सिखाते ही होंगे, लेकिन उसमें कोई मैसेजिंग देते हो आप? जी सामाजिक मैसेज पर भी मैं बनाता हूँ। जैसे कि मैं ड्रंक एंड ड्राइव जो होता है उसके लिए मैं नृत्य नाट्य बिठाया था, कि जिसको मैंने प्रदर्शन पूरे शहर में करवाया था एज ए पथ नाट्य के स्वरूप में। जैसे ही मैंने दूसरी बार बताया कि स्पर्श नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनवाई थी जिसकी पूरी टेक्निकल टीम मेरी स्टूडेंट्स थे। तो ये 2-3 दिन से आप लोग सब जगह पे आपका जाना होता होगा, थक गए होंगे आप लोग, कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर, ऐसे ही चलता होगा। तो इनसे कोई विशेष परिचय कर लिया क्या आप लोगों ने? कोई लाभ लिया कि नहीं किसी ने? जी है सर, बहुत सारे लोग ऐसे मोस्टली जो इससे हायर से है, वो लोगों ने बोला था कि सर अगर हम आपको बुलाएंगे तो आप हमारे कॉलेज आएंगे। अच्छा, मतलब आपने आगे का तय कर लिया। मतलब आप
कमर्शियली भी करते हैं कार्यक्रम? कमर्शियली भी करता हूँ, लेकिन उसका, फिर तो आपको बहुत बड़ा मार्केट है। नहीं सर, बहुत बड़ा मार्केट मिल गया। नहीं सर, उसकी भी एक बात बताना चाहूंगा, कमर्शियली मैं जो भी काम करता हूँ, मैंने फिल्मों के लिए कोरियोग्राफ किया है, लेकिन मैंने 11 अनाथ बच्चे गोद लिए हुए, मैं उनके लिए कमर्शियली काम करता हूँ। उनके लिए क्या करते हैं? वो अनाथ आश्रम में थे और उनके में कला गुण थे, तो अनाथ आश्रम की एक पहलू होती है कि 10वीं के बाद उसको ITI में डाल दो। तो मैंने वो धरना तोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोगों को इसको अलाउ नहीं करते हम लोग। तो मैंने उनको बाहर ले लिया, एक रूम में रख लिया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, वहाँ पे आ गए, उनकी शिक्षा की। उसमें से दो कला शिक्षक करके काम कर रहे हैं, दो लोग हैं वो नृत्य शिक्षक करके गवर्नमेंट स्कूल में लग गए, मतलब CBSE। जो ये बढ़िया आप काम करते हैं, ये आखिर में बताते हैं, ऐसे कैसे हो? ये बहुत बड़ा काम है कि आपके मन में उन बच्चों के प्रति संवेदना जगना, और किसी ने छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, और आपने उनको गोद लिया, ये बहुत बड़ा काम किया आपने। सर, इस बात का मेरे जीवन से ताल्लुक है, मैं खुद अनाथालय से हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं मिला था, तो मेरे पास तभी कुछ नहीं था, और मेरे संचित के पास से अगर मैं वंचित के लिए कुछ करूँ, तो ये मेरा परम भाग्य है। चलिए, बहुत आपने सिर्फ कला को नहीं, आपने जीवन को संस्कारों से जिया है, बहुत बड़ी बात है ये। जी धन्यवाद सर। तो सचमुच में नाम आपका सागर सही है। जी सर, आपसे सौभाग्य हुआ, आपसे बात करने का, ये मेरे सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैं डॉक्टर अविनाशा शर्मा, हरियाणा शिक्षा विभाग में बतौर अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हूँ। माननीय, हरियाणा के जो वंचित समाज के बच्चे हैं, जो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ अंग्रेजी भाषा उनके लिए सुनना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए मैंने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया है। ये भाषा की प्रयोगशाला ना सिर्फ भाषा अंग्रेजी भाषा के लिए तैयार की गई है, बल्कि क्षेत्रीय भाषाएं और मातृभाषा दोनों का ही इसमें समावेश किया गया है। महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा देती है। इन पहलुओं को देखते हुए मैंने इस भाषा प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी समावेश किया है। जैसे जनरेटिव टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, स्पीकोमीटर और टॉकपाल, उनके जरिए भाषा के शुद्ध उच्चारण को बच्चे सीखते और समझते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे साझा करते हुए महोदय, कि मैंने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व यूनेस्को, यूनिसेफ, इंडोनेशिया और उज़्बेकिस्तान जैसे क्षेत्रों में, देशों में किया, और उसका प्रभाव मेरे क्लासरूम तक पहुंचा। आज हरियाणा का एक सरकारी स्कूल ग्लोबल क्लासरूम बन गया है, और उसके ज़रिए बच्चे इंडोनेशिया में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठे हुए प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं। थोड़ा अनुभव बताएंगे किस प्रकार से करते हैं आप, बाकियों को भी पता चले। हाँ जी सर, माइक्रोसॉफ्ट स्काइपथन एक टाइप का प्रोग्राम होता है जिसको मैंने अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ बच्चे जब बातचीत करते हैं, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें हैं, जिस तरीके से वो अपने एकेडमिक्स को इन्हांस करते हैं, वो चीज़ें हमारे बच्चे सीख पा रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी सर आपसे। मैं जब उज़्बेकिस्तान गई तो वहाँ से जो अनुभव मैंने अपने बच्चों से शेयर किया, तो उनको ये समझ में आया कि जिस तरीके से अंग्रेज़ी उनकी अकादमिक भाषा है, ठीक उसी तरीके से उज़्बेकिस्तान के लोग अपनी मातृभाषा उज़्बेक में बात करते हैं, रशियन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है, और अंग्रेज़ी उनकी अकादमिक भाषा है, तो वो अपने आप को इस विश्व से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अंग्रेज़ी उनके लिए सिर्फ एक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रह गई है, उनको ये रुचि बढ़ने लग गई है इस भाषा में, क्योंकि अब ये नहीं है कि विदेशों में ही अंग्रेज़ी बोली जाती है और ये उनके लिए बहुत सहज है, ये उनके लिए उतनी ही चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, जितनी हमारे भारतीय बच्चों के लिए हो सकती है। नहीं, आप बच्चों को दुनिया दिखा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन देश भी दिखा रही हैं क्या? बिल्कुल सर, जब मैं तो हमारे देश की कुछ चीज़ें जिससे उनको अंग्रेजी सीखने का, जानने का, समझने का मन कर जाए, ऐसा कुछ? सर, मैंने इस भाषा प्रयोगशाला में भाषा कौशल विकास पर काम किया है, तो अंग्रेजी भाषा तो एक पाठ्यक्रम की भाषा रही है, बट भाषा सीखी कैसी जाती है, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो हरियाणवी परिवेश के हैं। अगर मैं रोहतक में बैठे हुए बच्चे से बात करूं, वो नूह में बैठे हुए बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट भाषा में बात करता है। तो अच्छा, हम जैसे घर में
हमारे पास टेलीफोन पुराने जमाने में वो जो रहता था, हाँ जी, डिब्बा, वो फोन है, और हमारे घर में कोई ऐसे गरीब परिवार की कोई महिला घर काम के लिए अपने यहाँ आती जाती है, हाँ जी, इतने में घंटी बजी और वो टेलीफोन उठाती है, उठाते बोलती हेलो। वो कैसे सीखी वो? यही भाषा का कौशल विकास सर बताया, भाषा सुनने पर और उसका प्रयोग करने पर आती है। और इसलिए सचमुच में लैंग्वेज बोलचाल से बहुत जल्दी सीखी जा सकती है। बिल्कुल सर। मुझे याद है मैं जब गुजरात में था तो नडियाद में मेरे यहाँ एक महाराष्ट्र का परिवार नौकरी के लिए, वो प्रोफेसर थे, नौकरी के लिए आए। उनके साथ उनकी वृद्ध माताजी थी। अब ये महाशय पूरा दिन भर स्कूल कॉलेज में रहते थे लेकिन लैंग्वेज में जीरो रहे वो 6 महीने के बाद भी। और उनकी माताजी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो धनाधन गुजराती बोलना शुरू कर दिया। तो मैं एक बार उनके यहाँ भोजन के लिए गया, मैंने पूछा ये नहीं, बोले हमारे घर में जो काम वाली है ना उसको और कुछ आता नहीं, तो बोले मुझे सीख गया। बोल चाल से सीखा जाता है। बिल्कुल सर। मुझे बराबर याद है मैं जब छोटा था तो मेरे स्कूल में जो टीचर थे थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे और हमें स्ट्रिक्टनेस थोड़ी तकलीफ करती थी लेकिन उन्होंने राजा जी ने जो रामायण महाभारत लिखी है तो उसमें से रामायण की जो बहुत परिचित वार्ता तो सबको परिचित होती है तो बड़ा आग्रह करते थे कि राजा जी ने जो रामायण लिखी है उसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। कथा पता था, भाषा पता नहीं थी लेकिन बहुत जल्दी कोरिलेट करते थे, एक दो शब्द समझ गए तो भी लगता था हाँ ये कहीं सीता माता की कोई चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। हर हर महादेव। सर हर हर महादेव। काशी वालों को हर हर महादेव से दिन शुरू होता है। सर मैं आज आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। सर सर मैं कृषि विज्ञान संस्थान में पौधे की रोगों के ऊपर मेरा विशेषज्ञ शोध है और उसमें मेरा एक सबसे बड़ा प्रयास ये है कि जो हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं वो जमीनी स्तर पे अभी वो उतरे नहीं है पूरा चीज़। मेरा इसलिए प्रयास ये है कि हम किसानों को ऐसे टेक्निक को हाथ पकड़ाए जो आसान हो और उसकी अभूतपूर्व परिणाम खेतों में दिखे। और मुझे लगता है इस प्रयास में हमको बच्चों स्टूडेंट्स मेरा और महिलाओं की भागीदारी अहम है और इसीलिए मेरा प्रयास ये है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ गांव में जाता हूं और किसानों के साथ मैं महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास कराता हूं ताकि ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स हम लोग डेवलप किए हैं उससे सस्टेनेबिलिटी की तरह हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं और इससे किसानों को फायदा भी हो रहा है। कुछ बता सकते हैं क्या किया? सर हम लोगों ने बीज शोधन की टेक्निक को परफेक्ट किया है, हमने कुछ लोकल माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किए हैं, उससे जब हम बीज को शोधन करते हैं तो जब रूट्स आते हैं सर वो पहले से ही वही विकसित रूट जड़ बनते हैं और उससे वो पौधा बहुत स्वस्थ बनते हैं और उस पौधे में सर की बीमारियां कम लगती है क्योंकि जड़ इतने मजबूत हो जाते हैं पौधे को वो एक अंदर से एक ताकत देते हैं कीट और बीमारियों से लड़ने के लिए। तो ये लैब में करने वाला काम बता रहे हैं जी, लैंड पर कैसे करते हैं? लैब टू लैंड जब आप कह रहे हैं आप खुद जा रहे हैं किसानों के पास जी सर, वो कैसे इसको करते हैं और वो कैसे शुरू करते हैं? सर हम लोगों ने एक पाउडर फॉर्मुलेशन बनाए हैं और इस पाउडर फॉर्मुलेशन को हम किसानों को देते हैं और उनकी हाथों बीज को शोधन करवाते हैं और ये हम प्रयास कई सालों से निरंतर कर रहे हैं और वाराणसी के आसपास के 12 गांव में हम लोग अभी इस कार्य को किए हैं और महिलाओं की अगर संख्या की बात कहें तो 3000 से अधिक महिलाएं अभी इस टेक्निक नहीं तो ये जो लोग किसान हैं वो किसी और किसान को भी तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि जब वो पाउडर लेने के लिए एक किसान आते हैं वो और 4 किसानों के लिए साथ में लेके जाते हैं और इसका क्योंकि देखा देखी किसान बहुत सीखते हैं और मुझे ये बात की खुशी है कि हमारे जो हम जितने को सिखाए हैं उनसे और कई गुना लोगों ने अपनाए हैं इसको, अधिक पूरा संख्या मेरे पास। ज्यादातर किस फसल पे प्रभाव हुआ और किस सब्जी और गेहूं पे? सब्जी और गेहूं जी सर।
ये जो प्राकृतिक खेती, इस पर हमारा बल है जी सर, और जो लोग धरती माँ को बचाना चाहते हैं जी, वे सब चिंतित हैं जिस प्रकार से हम इस धरती माँ की सेहत के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उस माँ को बचाना बहुत जरूरी हो गया है जी सर, और उसके लिए प्राकृतिक खेती एक अच्छा उपाय दिखता है। उस दिशा में कोई चर्चा हो रही है वैज्ञानिकों में? जी बिल्कुल सर, प्रयास उसी दिशा में है, लेकिन सर किसानों को हम लोग अभी पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पा रहे कि रसायन को आप प्रयोग ना करें, क्योंकि किसान डरते हैं कि हम रसायन के प्रयोग नहीं करने से मेरे फसल में कुछ नुकसान हो जाए। एक उपाय हो सकता है, मान लीजिए उसके पास 4 बीघा जमीन है, तो 25% 1 बीघा में तुम ये प्रयोग करो, 3 में जो तुम परंपरागत करते हैं वो करो जी, यानी छोटा सा हिस्सा लो, उसको एक प्रकार से अलग से तुम इसी पद्धति से करो, तो उसकी हिम्मत आ जाएगी। हाँ यार थोड़ा नुकसान होगा तो 10% 20% हो जाएगा जी, लेकिन मेरे गाड़ी चलेगी। गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, वे बहुत ही डेडिकेटेड है इस विषय में, काफ़ी काम करते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो किसान का बैकग्राउंड वाले होंगे, तो उन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए बहुत सारा डिटेल बनाया। ये आप जो एलकेएम देख रहे हैं ना, यहाँ पूरी तरह प्राकृतिक खेती का ही उपयोग होता है हर चीज़ का, यहाँ कोई केमिकल अलाउ नहीं है। यह आचार्य देवव्रत जी ने बहुत ही अच्छी फॉर्मूला डेवलप की है, कोई व्यक्ति उसको कर सकता है जी, गौमूत्र वगैरह का उपयोग करके करते हैं और बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। अगर आप उसको भी स्टडी करें आपकी यूनिवर्सिटी में क्या हो सकता है तो देखिए। जरूर सर, चलिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वणक्कम। वणक्कम प्राइम मिनिस्टर जी, आई एम डॉक्टर ए गांधीमती, आई कम फ्रॉम त्यागराजर पॉलिटेक्निक कॉलेज सेलम तमिलनाडु, एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश इन द पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर मोर देन 16 इयर्स। मोस्ट ऑफ माय पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हेल फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, दे कम फ्रॉम तमिल मीडियम स्कूल्स, सो दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक, एटलीस्ट ओपन देयर माउथ इन इंग्लिश। लेकिन हम लोगों को ये भ्रम है, शायद सब लोगों के ही होगा कि भाई यानी तमिलनाडु मतलब सबको अंग्रेजी आती है। Obviously, sir, there are rural people, sir, who study from the vernacular language medium, so they find it difficult, sir. So for them, we teach. और इसीलिए इसी जो नई शिक्षा नीति है, उसमें मातृभाषा पर बहुत बल दिया गया है। Yes, sir. So we are teaching English language, sir, and. As per NEP 2020, as it lays on 3 languages, now we have, and in mother tongue learning, we have now introduced, as an autonomous institution, we have now introduced our mother tongue language also in learning technical education, sir. क्या आप में से कोई है जिसने बहुत हिम्मत के साथ ऐसा प्रयोग किया हो कि मान लीजिए एक स्कूल में 30 बच्चे हैं, वो प्योरली अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, और उन्हीं के बराबर के दूसरे 30 बच्चे वही विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, तो कौन सबसे ज्यादा आगे जाता है, कौन ज्यादा ज्यादा जानता है, क्या अनुभव आता है आप लोगों का? क्योंकि क्या है, मातृभाषा में वो डायरेक्ट चीज को पकड़, उसको मेंटली अंग्रेजी, फिर उसका अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको समझने का प्रयास करेगा, बहुत एनर्जी जाती है उसकी। तो बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाने का और बाद में अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में बहुत अच्छा पढ़ाना चाहिए, यानी जैसे ये संस्कृत टीचर क्लास में जाती होगी और क्लासरूम से बाहर आती होगी, संस्कृत के सिवा किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करती होगी आशा जी, वैसे ही अंग्रेजी के टीचर को भी क्लासरूम में अंदर जाने से बाहर निकलने तक और कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए। अंग्रेजी करेंगे तो वो भी उतने ही बढ़िया तरीके से करेंगे, फिर ऐसा नहीं कि वे एक वाक्य अंग्रेजी और फिर 3 वाक्य मातृभाषा में पढ़ाएंगे, तो वो बच्चा कैच नहीं कर सकता है। अगर हम उतना डेडिकेशन लैंग्वेज के प्रति भी होगा तो बुरा नहीं है,
और हमें तो अपने बच्चों की आदत डालनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखने का, उनके मन में इच्छा जगनी चाहिए। और इसलिए कभी कभी स्कूल में तय करना चाहिए, इस बार हम अपने स्कूल में 5 अलग अलग राज्यों के गीत सिखाएंगे बच्चों को। 5 गीत एक साल में मुश्किल नहीं है, तो 5 भाषा के गीत जान लेंगे, कोई असमिया करेगा, कोई मलयालम में करेगा, कोई पंजाबी करेगा, पंजाबी तो खैर कर ही लेते हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश ऑल द बेस्ट। प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम उत्पल सैकिया है और मैं असम से हूँ। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर गुवाहाटी में फूड एंड बेवरेज सर्विस में एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। और मैं इधर नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर में मेरा अभी 6 साल संपन्न हो गया है और मेरा मार्गदर्शन से अब तक 200 से ज़्यादा छात्र सफलतापूर्वक प्रशिक्षित हो गया है और देश और विदेश में 5-स्टार होटलों में काम। कितने समय का कोर्स है आपका? 1 साल का कोर्स है। 1 ईयर? यस सर। और हॉस्पिटैलिटी का जानते हैं वो? हॉस्पिटैलिटी फूड एंड बेवरेज सर्विस। फूड एंड बेवरेज, उसमें क्या विषय सिखाते हैं आप? हम सिखाते हैं कैसे गेस्ट से बातें करते हैं, कैसे फूड सर्विस होता है, कैसे ड्रिंक सर्विस होता है। तो इसके लिए हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी रेडी कराते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स सिखाते हैं, कैसे गैस का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, वो सब हम सिखाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण बताइए, इन लोगों को काम है कि इनको घरों में बच्चे को ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ऐसा करते हो, तो आप अपनी टेक्निक सिखाइए। नहीं, ये बच्चों के लिए अभी तो मेरे पास कुछ टेक्निक है नहीं, लेकिन जो गेस्ट आते हैं हम लोग जो हमारे पास होटल्स में आते हैं, तो उन लोग को कैसे टैकल करना है, मतलब पोलाइटली हम्बली उन लोग को बातें सुन के। यानी ज्यादातर आपका फोकस सॉफ्ट स्किल पर है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, सॉफ्ट स्किल्स। ज्यादातर वहाँ से निकले हुए बच्चों को जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ रहती है? ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि दिल्ली हो गया, मेनली बड़े बड़े होटल में, बड़े बड़े होटल्स में। हाँ, हमारा मतलब 100% प्लेसमेंट गारंटेड है, हमारा प्लेसमेंट टीम है, वो लोग देखते हैं। तो वैसे आप गुवाहाटी में हैं? हाँ जी सर। अगर मैं हेमंता जी से कहूँ? हाँ जी सर। कि हेमंता जी के जितने मिनिस्टर्स हैं? हाँ जी सर। उनके स्टाफ को आप ट्रेन करें और उनके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि उनके यहाँ गेस्ट आते हैं, हाँ जी सर, और उसको मालूम नहीं होता है कि गेस्ट को बाएं हाथ से पानी दूं या दाहिने हाथ से। तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है सर। देखिए, ये बात आपको आश्चर्य होगा, मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, तो मेरे यहाँ एक होटल मैनेजमेंट स्कूल था, तो मैंने बड़ा आग्रह किया था कि मेरे जितने मिनिस्टर्स हैं उनका जो पर्सनल स्टाफ है उनको सैटरडे सैटरडे संडे जाकर के वो सिखाएंगे। तो उन्होंने वॉलेंटियरली सिखाना तय किया और मेरे यहाँ जितने अभी बच्चे काम करते हैं, या माली काम करता था या कुक काम करता था, मैं जितने भी मिनिस्टर्स के यहाँ सबकी वहाँ पर 30-40 घंटे का करीब सिलेबस होता था। उसके बाद उनके परफॉर्मेंस में से इतना बदलाव आया और घर में जाते ही पता चलता था कि वाह, कुछ नया नया लग रहा है। और तो जो परिवार वाले हैं उनको शायद उतना ध्यान में नहीं होता, मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य होता था कि यार तुमने कैसे कर दिया सब, तो वहाँ सीख के आता था। तो मैं समझता हूँ कभी ये भी करना चाहिए, ताकि एक बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा कि भाई हाँ, एक छोटा सा होता है, इवन घर में काम करने वालों को भी आते ही कोई नमस्ते कहते, जैसे टेलीफोन उठाने वाले लोग सरकारी दफ्तर में, कुछ लोगों की ट्रेनिंग होते हैं, वो जय हिंद बोल करके उठाएंगे फोन या नमस्ते करके उठाएंगे, कुछ हाँ बोलो क्या कहना है, तो वहीं से बात बिगड़ जाती है। तो आप उसको बराबर ठीक से सिखाते हैं? सिखाते हैं सर, सिखाते। चलिए, बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बोरी सागर वो थे, वो आपको कुछ थे क्या? दादा थे? अच्छा, वो हमारे बहुत हास्य लेखक हुआ करते थे। हाँ जी सर। तो आप क्या करते हैं? सर, मैं अमरेली से प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ और वहाँ पर श्रेष्ठ पाठशाला निर्माण से श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण के जीवन मंत्र के साथ पीछे 21 साल से काम कर रहा हूँ सर।
क्या विशेषता क्या है आपकी? सर मैं हमारे जो लोकगीत कहते हैं आप बहुत पेट्रोल जलाते हैं। हाँ सर, वो बाइक पर मैं जो हमारा प्रवेशोत्सव आपके द्वारा जो हमारा सफल कार्यक्रम वहाँ से शुरू हुआ 2003 से, सर हमारे जो लोकल गरबा गीत है उसको मैं एजुकेशन अवेयरनेस गीत में परिवर्तित करके मैं गाता हूँ। जैसे पंखेड़ा है हमारा, सो अगर आपकी अनुमति हो तो गा। हाँ, हो जाए। पंखेड़ा तो उड़ीने जाजे गामे गाम रे, पंखेड़ा तो उड़ीने जाजे गामे गाम रे, देशना बाळकोने केजे भणवा आवे रे, मारा गामना बाळकोने केजे शाळामां आवे रे। हे पंखेड़ा, ओहो पंखेड़ा, पंखेड़ा हो। ये गुजराती बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है, उन्होंने इसको शब्द बदल दिए हैं और वो कह रहे हैं कि बच्चों को ये गीत से बताते हैं कि अरे भाई तुम स्कूल चलो, पढ़ने के लिए चलो, यानी अपने अपने तरीके से वो कर रहे हैं। और सर 20 भाषा के गीत भी मैं गा सकता हूँ। 20 भाषा के सर? अरे वाह। अगर मैं केरला के बारे में बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं कुटनाडन पुंजे इल्ले तित्ते तग तै तै तुम कच्चु पेन्ने को इल्लाले तित्तिता तित्ते तै कट्टु वेणम कुरल वेणम कुरवा वेणम। अगर तमिल में सिखाता हूँ तो तमिल के दोस्त है वाह यानी आओ पधारो वेलकम। सो वाह उड़ी पड़े त कन्नी नाई वा वा वा, उर्द कौंड नेंजी नाई वा वा वा। अगर मैं मराठी में आनंद कंद ऐसा आ हिंद देश माजा, आनंद कंद ऐसा। अगर कन्नड़ा में भारता नम्मदु अंदु इंदु एंदिगु इदुवये स्वर्गवु हरिय जरिय नम्मिदु, भारता नम्मदु भारत माता को नमन करता हूँ। अगर मैं राजस्थानी में सिखाता हूँ आ ओ कुण बीजे बाजरो ये बदहरी, ओ कुण बीजे मोड़ में वा मिसहरी। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही मेरा जीवन मंत्र है सर। चलिए बहुत अच्छा। और सर 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए भी और ऊर्जा से काम करूंगा सर। थैंक यू सर। उनकी सरनेम जब मैंने देखी तो उनके दादा से मैं परिचित था तो मुझे याद आया आज, और उनके दादा बहुत ही अच्छे हास्य लेखक हुआ करते थे मेरे राज्य में, बड़ी पहचान थी उनकी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आपने उस विरासत को संभाला होगा। जी बहुत अच्छा लगा। साथियों मेरी तरफ से कुछ खास आप लोगों को संदेश तो नहीं है, पर मैं जरूर कहूंगा कि ये सिलेक्शन होना ये बहुत बड़ी पूंजी होती है, लंबी प्रोसेस से निकलता है। पहले क्या होता था मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन आज कोशिश है कि देश में ऐसे होनहार लोग हैं जो कुछ नया कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमसे कोई ज्यादा अच्छे टीचर नहीं होंगे, किसी और विषय में अच्छा नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो देश है, बहुरत्ना वसुंधरा है, कोटि कोटि टीचर्स ऐसे होंगे जो बहुत उत्तम काम करते होंगे, लेकिन हम लोगों की तरफ ध्यान गया होगा, हमारी कोई विशेषता होगी जो देश की में खास करके नई शिक्षा नीति के लिए आप लोगों के जो प्रयास हैं वो काम आ सकते हैं। देखिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में, जैसे भारत में एक विषय हमारी आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़ी ताकत दे सकता है, और भारत ने ये मौका गंवा दिया है। हमने फिर से एक बार उसको प्राप्त करना है, और वो हमारे स्कूलों से शुरू हो सकता है, और वो है टूरिज्म। अब आप कहेंगे हम बच्चों को पढ़ाएं या टूरिज्म करें, मैं नहीं कह रहा हूं आप टूरिज्म करें, लेकिन अगर स्कूल के अंदर टूर तो जाती होगी, लेकिन ज्यादातर टूर कहाँ जाती है, जहां टीचर ने जो देखा नहीं है वहां टूर जाती है।
स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए वहाँ टूर नहीं जाती है। अगर स्टूडेंट का टीचर का उदयपुर रह गया तो फिर कार्यक्रम बनाएंगे कि स्कूल इस बार उदयपुर जाएगी, और फिर सबसे जो भी पैसे लेने होते हैं, जो टिकट का खर्चा होता है, सब कलेक्ट करते हैं फिर जाते हैं। लेकिन मेल तो जैसे माँ कहती है ना, बच्चे को आइसक्रीम खाना है। तो हम लोग कभी सोच करके जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, साल भर का आप लोग पूरा काम तय कर लेते हैं किसको करना कैसे, क्या उसमें हम अभी से कि भाई 24-25 में 8 या 9 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डेस्टिनेशन ये होगा, 9 और 10 के लिए ये होगा, है ना, जो भी तय करें आप। हो सकता है स्कूल 3 डेस्टिनेशन तय करें, हो सकता है 5 डेस्टिनेशन तय करें, और उनको साल भर काम देना चाहिए कि अब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि अगले साल हम केरला जाने वाले हैं, चलो भाई 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनेगा जो केरल के सोशल रीति रिवाज उन पर प्रोजेक्ट करेगा, 10 स्टूडेंट वहाँ के धार्मिक परंपराएं क्या होती हैं, मंदिर कैसे होते हैं, कितने पुराने हैं, 10 स्टूडेंट हिस्ट्री पर करेंगे, साल भर एक एक दो दो घंटा इस पर डिबेट होती रहे, केरल 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 चलता रहे, और फिर केरल के लिए निकल पड़े। आपके बच्चे जब जाएंगे केरला तो वो एक प्रकार से पूरे केरल को आत्मसात करके वापस आएंगे, उनको रहेगा अरे वो मैंने पढ़ा था ना, अच्छा ये वो है, वो कोरिलेट करेगा। अब आप सोचिए कि मान लीजिए गोवा ने तय किया कि इस बार हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, और मान लीजिए सब स्कूल मिला करके 1000-2000 बच्चे नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, तो उनको तो नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म को फायदा होगा कि नहीं होगा? ये लोग नॉर्थ ईस्ट जितने बढ़ते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वालों को लगेगा भाई अब इतने लोग आ रहे हैं तो कुछ चाय पान के लिए दुकानें खोलनी पड़ेगी, किसी को लगेगा ये चीज़ बिकती है चलो ये ज़्यादा, तो वहाँ व्यापार रोजगार बढ़ेगा। भारत इतना बड़ा देश है, हम शिक्षा के साथ, और इस बार आपको आप अपने स्टूडेंट्स को बताइए, अभी ऑनलाइन एक कंपटीशन चल रहा है और आपके स्कूल के सब बच्चों ने उसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ऐसे ही टिक मार्क नहीं करना चाहिए, थोड़ा स्टडी करके करना चाहिए। और अभी कंपटीशन चल रहा है देखो अपना देश, ऑनलाइन रैंकिंग चल रहा है, लोग वोट कर रहे हैं, और उसमें हमारी कोशिश है कि उस राज्य के लोग वोट करके तय करके हमारे राज्य में ये नंबर वन पर चीज है जो देखने जैसी है, जाने जैसी है। एक बार वोटिंग से जो सिलेक्ट होंगे तो सरकार कुछ बजट लगाएगी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी और उनको फिर डेवलप करेगी। लेकिन ये टूरिज्म कैसे डेवलप होता है, मुद्दा ये होता है कि पहला मुर्गी की पहले अंडा। कुछ लोगों को कहना भाई टूरिस्ट नहीं है इसलिए डेवलप नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि टूरिस्ट आएंगे तो डेवलप होगा, और इसलिए हम स्टूडेंट से शुरू कर सकते हैं ऐसे डेस्टिनेशन, योजनाबद्ध तरीके से वहाँ जाए, रात्रि को वहाँ मुकाम करें, तो उस स्थान के लोगों को लगेगा कि भाई अब रोजगार की संभावनाएं बनेगी, तो होम स्टे बनने लग जाएंगे, ऑटो रिक्शा वाले आ जाएंगे। यानी अगर हम सिर्फ स्कूल में बैठे बैठे तय करें तो इस देश में 100 टॉप डेस्टिनेशन टूरिज्म के हम 2 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं। एक टीचर कितना बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है इसका ये उदाहरण है। यानी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्कूल के रेगुलर काम में करते ही हैं, आपके यहाँ से टूर जाते ही जाते हैं, लेकिन अध्ययन नहीं होता है। जहां जाना है उसका साल भर अध्ययन होगा तो वो शिक्षा का काम हो गया, जाकर के उस जगह पे जाते हैं तो वहां पर इकोनॉमी को लाभ हो सकता है। उसी प्रकार से मेरा आपसे आग्रह है
कि आपके नजदीक में जहां भी यूनिवर्सिटी हो, कभी न कभी आपके आठवीं नौवीं कक्षा के बच्चों का उस यूनिवर्सिटी में टूर कराना चाहिए। यूनिवर्सिटी से बात करनी चाहिए भी हमारे आठवीं कक्षा के बच्चे आज यूनिवर्सिटी देखने आएंगे। मेरा एक नियम था जब मैं गुजरात में था तो कहीं पर यूनिवर्सिटी में अगर कॉन्वोकेशन में बुलाते थे तो मैं उनसे कहता था भाई मैं आऊँगा जरूर लेकिन मेरे 50 गेस्ट साथ आएंगे। तो यूनिवर्सिटी को बड़ा रहता नहीं कौन 50 गेस्ट आएंगे। और जब पॉलिटिशियन कहता है तो उनको लगता है उनके चेले चपाटे आने वाले होंगे। फिर मैं कहता था कि यूनिवर्सिटी के 5-7 किलोमीटर रेडियस में कोई सरकारी स्कूल हो जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हो झुग्गी झोपड़ी के, ऐसे 50 बच्चे मेरे गेस्ट होंगे और उनको आपको फर्स्ट रो में बिठाना पड़ेगा। अब ये बच्चे जब ये कॉन्वोकेशन देखते हैं, है तो बिल्कुल गरीब परिवार के बच्चे, उनके मन में उसी दिन सपना हम बो देते हैं कभी मैं भी ऐसा टोपा पहन करके, ऐसा कुर्ता पहन करके मैं भी अवार्ड लेने जाऊंगा। ये भाव उसके मन में रजिस्टर हो जाता है। आप भी अगर अपने स्कूल के ऐसे बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटी देखने के लिए ले जाए, यूनिवर्सिटी से बात करेंगे साहब आपके यहाँ इतने बड़े बड़े बातें होती हैं हम देखना चाहते हैं। वैसे ही स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं जैसे ब्लॉक लेवल का स्पोर्ट्स कंपटीशन है तो कौन करेगा, वो पीटी टीचर जाने, वो खेलने वाला बच्चा जाने जाएगा। सचमुच में पूरी स्कूल को स्पोर्ट देखने के लिए जाना चाहिए। भले कबड्डी चल रही है किनारे बैठेंगे ताली बजाएंगे, कभी कभी देखते देखते ही उसमें से खिलाड़ी बनने का मन किसको जग जाता है। खिलाड़ी को भी लगता है यार मैं कोई इकलौता अपने पागलपन के कारण खिलाड़ी नहीं बना हूं, मैं खेल खेल रहा हूं मतलब मैं एक समाज का एक अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, उसके अंदर एक भाव जगता है। एक टीचर के नाते मैं ऐसी चीजों को इनोवेट करता रहूं और कोई एक्स्ट्रा प्रयत्न के बिना जो है उसको प्लस वन करना है बस, ये अगर हम कर सकते हैं तो आप देखिए स्कूल का भी नाम बन जाएगा, जो टीचर इसमें काम करते हैं उनके प्रति भी देखने का एक भाव बदल जाएगा। दूसरा, आप लोग कोई ज्यादा संख्या है नहीं लेकिन आप में से सबको पता नहीं होगा कि बाकियों को किस कारण से ये अवार्ड मिला है, पता नहीं होगा। आपको लगता होगा मुझे मिला, उसको भी मिला होगा, मैं ये करता हूँ मुझे मिल गया, वो भी कुछ करता होगा मिल गया, ऐसा नहीं। आपकी कोशिश होनी चाहिए इन सब के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है, इन लोगों में ऐसा कौन सा कर्तव्य है जिसके कारण देश का उन पर ध्यान गया है, मैं उसमें से दो चीजें सीख करके जा सकता हूँ क्या। आपके लिए ये 4 दिन 5 दिन एक प्रकार से स्टडी टूर है, आपका सम्मान गौरव हो रहा है वो तो एक है लेकिन अपने से जैसे मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से सीख रहा था आप लोग कैसे करते हैं जान रहा था। अब ये मेरे लिए अपने आप को एक बड़ा प्रसन्न करने वाली बात थी और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके जितने साथी हैं, दूसरा किसी जमाने में जब हम छोटे थे तब पत्र मित्र वैसा एक जमाना हुआ करता था, हैं? अब सोशल मीडिया हो गया है तो वो तो दुनिया चली गई लेकिन क्या आप लोगों का सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन सकता है, सबका जो लोग कब से बना है, कल ही बना है, चलिए अच्छा 8-10 दिन हो गए, मतलब गुड बिगिनिंग है।
एक दूसरे से आपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। अब आपको यहाँ कोई तमिलनाडु के टीचर से परिचय हुआ है, आपकी टूर तमिलनाडु जाने वाली है आपके स्कूल की, अभी से उनको कहिए जरा बताइए, देखिए आपकी कितनी बड़ी ताकत बन जाएगी। आपको कोई मिलेगा, अरे केरल, अरे मैं उसको जानता हूँ, जम्मू कश्मीर, अरे मैं उससे तो परिचित हूँ, आप चिंता मत कीजिए मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ। इन चीज़ों का बड़ा प्रभाव होता है और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का एक ऐसा समूह बनना चाहिए जिनको लगना चाहिए यार हम तो एक परिवार के हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे बड़ा कोई अनुभव नहीं हो सकता। ऐसी छोटी छोटी चीजों की अगर तरफ आप ध्यान देते हैं, मुझे पक्का विश्वास है देश की विकास यात्रा में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप भी सुन सुन करके थक हो गए होंगे, शिक्षक ऐसा होता है, शिक्षक वैसा होता है, पर आपको भी लगता है ये बंद करे तो अच्छा है, यानी मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शिक्षक की जब हवाई चलती है ना, इतनी चलती है, तो फिर आपको भी लगता है यार बहुत हो गया। मुझे भी लगता है कि वो हवाई की जरूरत नहीं है, हम उस विद्यार्थी की तरफ देखें, उस परिवार ने कितने विश्वास के साथ वो बच्चा हमें सुपुर्द किया है। उस परिवार ने हमें इसलिए बच्चा सुपुर्द नहीं किया है कि आप उसको कलम पकड़ना सिखा दें, कंप्यूटर चलाना सिखा दें, इसलिए नहीं दिया है आपको वो बच्चा कि ताकि आप उसको कुछ सिलेबस पढ़ा दें, इसलिए वो अपना एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ले आए, सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है। माँ बाप को लगता है कि जो हम दे रहे हैं उससे आगे हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, उसका अगर कोई प्लस वन कर सकता है तो उसका टीचर कर सकता है। और इसलिए बच्चे की जिंदगी में शिक्षा में प्लस वन कौन करेगा? टीचर करेगा। संस्कार में प्लस वन कौन करेगा? टीचर करेगा। उसके हैबिट्स में करेक्शन कौन करेगा? प्लस वन टीचर करेगा। और इसलिए प्लस वन थियरी वाली थी हमारी कोशिश होनी चाहिए, उसके घर से जो मिला है मैं उसमें कुछ ज़्यादा अतिरिक्त जोड़ दूंगा, मेरा उसकी जिंदगी में बदलाव लाने में कोई न कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ये प्रयास आपकी तरफ से रहे, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही सफलतापूर्वक, और आप अकेले नहीं, सभी शिक्षकों से बात कीजिए, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के शिक्षकों से बात कीजिए, आप लीडरशिप लीजिए और हमारे देश की नई पीढ़ी को तैयार, क्योंकि आज जिन बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं ना, वे जब नौकरी करने योग्य बनेंगे या 25-27 साल की उम्र पर पहुंचेंगे, तब ये देश आज है वैसा नहीं होगा, ये विकसित भारत होगा। आप उस विकसित भारत में रिटायरमेंट का पेंशन लेते होंगे, लेकिन जिसको आज आप तैयार कर रहे हैं वो उस विकसित भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक सामर्थ्यवान व्यक्तित्व बनने वाला है। और आपके पास कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, ये विकसित भारत ये कोई सिर्फ मोदी का कार्यक्रम नहीं है, हम सबको मिलकर के विकसित भारत के लिए ऐसा मानव समूह भी तैयार करना है, ऐसे सामर्थ्यवान नागरिक भी तैयार करने हैं, ऐसे सामर्थ्यवान नौजवान तैयार करने हैं। अगर हमें आगे चल करके 25-50 गोल्ड मेडल अगर खेलकूद में लाने हैं, कहाँ से निकलेगा वो खिलाड़ी? जो आपके स्कूल में दिखते हैं उन बच्चों में से निकलने वाला है। और इसलिए हम उन सपनों को लेकर के, और आपके पास बहुत लोग हैं, सपने होते हैं, लेकिन उनके सामने इन सपनों को साकार कैसे करें, आप वो लोग हैं, आपके मन में जो सपना आए उस सपने को साकार करने के लिए वो लेबोरेटरी आपके सामने ही है, रॉ मटेरियल आपके सामने है, वो बच्चे आपके सामने हैं। आप अपने सपनों को लेकर के उस प्रयोगशाला में प्रयास करेंगे, आप जो चाहे वो परिणाम लेकर के आएंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।